अच्छा टाइम तकरीबन 6:30 का मेरे ख्याल से हो रहा है और धूप हल्की हल्की इसके ऊपर पड़ रही है। आप सारे साहब कितनी तैयार हो गई है देख माशाल्लाह। करीब करीब पहुंच गई बात 50 मिनट तक। ये जनाब चावल जो है ना वो तैयार हो के पक पका के हमारे सामने आ चुके हैं और अभी जो है ना वो चावल टेस्ट करते हैं। देखने में तो वैसे ये बहुत ही मजेदार लग रहे हैं। ये जनाब बच्चों के लिए जो है ना वो चावल पक के रेडी होके आ गए हैं और बच्चे मगरिब का टाइम था वैसे तो ये इनका सबक याद करने का टाइम होता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज की यार इस वीडियो में दो जो है ना वो चीज़ें डिस्कस करनी है। पहली तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो घर का जो है ना वो सोलर सिस्टम वो कंप्लीट हो चुका है तो ये आपको दिखाते हैं। और दूसरा आज बच्चों की दावत है तो उसके बारे में जो है ना वो मदरसे में चलते हैं और सादे साहब जो है ना वो देखते हैं कि क्या उन्होंने दावत की जो है ना वो तैयारी शारी कर ली है। तो ये आप देख सकते हैं मेरे से पीछे ये बैटरियों वाला जो सिस्टम है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ओके हो गया। और अभी ना बस एक चीज़ की यार समझ नहीं आ रही वो ये कि घर का सारा लोड हमने इसके ऊपर शिफ्ट किया है और 5:30 बजे तक तकरीबन जो है ना वो पीवी चल रहा था। अभी भी जो है ना वो पीवी की लाइट ऑन है यानी कि सोलर जनरेट कर रहे हैं अभी लाइट को, ठीक है। तो एक तो आज ये टेस्ट करना है कि ये बैटरियाँ जो है ना अभी 4 साल पूरे हैं तो निकाल के जो है ना एंड तक देखेंगे कि कितना लोड जो है ना कितनी देर तक बैटरियों के ऊपर हम एक या दो पंखा जो है ना वो मुस्तकिल चला सकते हैं। दूसरा एक यहाँ पर जो ब्रेकर है ना वो नीचे गिर गया, इसकी कोई समझ नहीं आ रही है कि ये ऐसा क्यों है। तो अभी ये वापडा का जो ब्रेकर है ये आप देख सकते हैं अभी मैंने ऑफ किया हुआ है। इसको तकरीबन मैंने घर वालों को कहा कि उस वक्त आपने ऑन करना है जब यहाँ पर एक सेल रह जाएगा, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी 4 सेल पूरे हैं बैटरी के, जब ये एक सेल रह जाएगा ना तो फिर इंशाल्लाह इसको जो है ना वो ऑन करेंगे। और बैटरियाँ तो अभी नहीं है, सारा सिस्टम तो अभी जो है ना वो नया ही लगा है तो बाकी इंशाल्लाह जो है ना वो फिर इसको भाई तलहा आज आए नहीं थे कल आएंगे तो उस वक्त जो है ना वो सारा आपको मैं दिखाऊंगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जनाब जो ऊपर प्लेटें हमारी इंस्टॉल हुई हैं, जो पैनल्स जो है ना उनकी जो तरतीब लगाई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा टाइम तकरीबन 6:30 का मेरे ख्याल से हो रहा है और धूप हल्की हल्की इसके ऊपर पड़ रही है। आप अंदाज़ा करें कि अभी भी सोलर जो है ना वो लाइट जनरेट कर रहा है, धूप मेरे ख्याल से इसके ऊपर तो इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी सी सफाई वगैरह वैसे पैनल के ऊपर होने वाली है। पहले ये पैनल जो है ना वो यहाँ पर यार इंस्टॉल कर रहे थे तो मैंने उनको कहा यार यहाँ पर इंस्टॉल नहीं करना, अगर आप आगे करके इंस्टॉल करोगे फिर तो सारी छत जो है ना वो ख़राब हो जाएगी। तो इस वजह से जो है ना ये पीछे सिर्फ इतनी जगह रखी है ताकि कोई अगर सफाई वगैरह करने के लिए यहाँ से जो है ना अगर कोई बंदा इस तरफ को आता है तो वो आसानी के साथ सफाई वगैरह कर सके। और ये बाकी का आप देख ही सकते हैं सेटअप माशाल्लाह अच्छे तरीके से जो है ना वो लग गया है। 6 प्लेटें हैं ये लॉन्जी की 580 वाट की और इसकी जो जनरेशन है ना मेरे ख्याल से आज मैं नोट कर रहा था सारे घर का लोड चलाया था तो 1.5 kV लोड बना था। अब मेरे ख्याल से अगर सारा कुछ इकट्ठा तो नहीं चलाना होता है, एक या दो पंखा अगर हम उसके साथ चलाते हैं ना तो AC 1.5 टन वाला जो है ना ये आप देख सकते हैं ये वाला AC है हायर का, इन्वर्टर नहीं है सादा AC है लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला AC जो है ना वो चल जाएगा। इसका एक्सपीरियंस तो ऐसे कल ही होगा क्योंकि कल उन्होंने आके जो है ना इसके ऊपर सारी समझ लें कि सेटिंग वैटिंग इसकी सारी करनी है। तो बस ये वाला यार काम अल्हम्दुलिल्लाह आज मुकम्मल हो गया और अभी जाके जो है ना वो सारे साहब से दावत का पूछते हैं कि दावत का उन्होंने क्या किया। ये जिस वक्त जो है ना वो हम मदरसे में पहुंच गए हैं और बाइक खड़ी करते हैं जनाब और सीधा निकलते हैं, पूछते हैं सारे साहब आए हैं या नहीं आए और हमारी दावत का आज का जो दावत है उसका काम जो है ना वो शुरू हुआ या नहीं शुरू हुआ। तो सारे साहब नज़र तो आ रहे हैं, बाकी दावत के बारे में जो है ना वो जाके इनसे पूछते हैं। साजिद व क़ाइमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। साजिद साहब चंद हो गए हैं भाई, तो दावा शुरू हो गया कि नहीं है? जरा जी हो गई है आवाज़ का दी आ रही है। चलो अच्छा 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 फिर सही है। ये जनाब दावत का सारा सामान जो है ना वो रेडी रेडी है और चावल ये मेरे ख्याल से दोपहर को बने थे, 2 बजे रखे हुए हैं। अच्छा 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 ये एक जुगाड़ लगाया हुआ है कि बाहर से हवा जो है ना वो अंदर की तरफ आ रही है, ताज़ा हवा मेरे ख्याल से। हाँ जी सारे साहब कि कोई और सिस्टम है? पता नहीं भाई, अच्छा 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 ठीक हो गया। कितनी देर तक जी वाला तैयार हो जाएगा माल मटेरियल? जल्दी है सर। चलो ये
ज़ियारत कर सकते हैं आप दावत की। ठीक है, तो अच्छा इसके अलावा जो है ना, ये तो इंशाल्लाह आसमान जो है ना वो रेडी हो रहा है। तो दो चीज़ें जो आपके सामने डिस्कस करनी थी वो ये कि एक तो आज से हमने यार अपने मदरसे का एक रूल बनाया है, और वो रूल अभी मैं आपको बता नहीं सकता, वो पहले उस्ताजी से डिस्कस कर लूँ फिर जो है ना मैं आपको बताता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि यार काफ़ी देर से कुरान पाक का जो है ना सबक का नागा हो रहा था, तो काम हमारे तकरीबन क्लोज हो गए हैं। सोलर वाला जो काम है उसका भी एक छोटा सा हिस्सा बस रह गया है, यानी कि उसके लिए इतना नहीं है कि एक पूरा नागा कर लिया जाए, पूरा दिन जो है ना वो छुट्टी कर ली जाए, इतने बड़े को काम कोई नहीं है। तो छोटे छोटे काम है, एक तो इन सारे छोटे कामों को जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता देख लेंगे इंशाल्लाह, साथ साथ ही समझ लेके चल जाएंगे। तो अभी बस ना कुरान पाक का सबक जो है ना इसके ऊपर तवज्जो देते हैं, और आज की जो दावत है इंशाल्लाह ये तो सारी रेडी हो जाती है। तो कल एक दावत है बड़ी बेहतरीन किस्म की, वो कल तो नहीं है, दो तीन दिन ही उसके लिए जो है ना वो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा समझने, उसके बाद जो है ना वो इंशाल्लाह दावत होगी। तो पहले मैं उस सारी से डिस्कस कर लूँ फिर आपको मैं बताता हूँ कि यार हमने एक दावत के लिए ना अपने मदरसे की दावत के लिए आज एक रूल बनाया है। मगरिब की यार नमाज हो गई है, टाइम हो गया काफ़ी ज़्यादा, और अभी जाके देखते हैं कि कहाँ तक जो है ना वो दावत का वाला हमारा काम पहुँचा, क्योंकि मुझे लगता है कि सारे साहब बच्चों के साथ खेल रहे थे जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है ना वो काम डिले है। तो सारे साहब कितनी तैयार हो गई है देख माशाल्लाह, करीब करीब पहुँच गई बात 50 मिनट तक। चूहे यार कल छुट्टी है बच्चों, कल इंशाल्लाह जड़ा नया वाला काम लाजमी करने हैं। वो दो बाकी पटोले वाला तैयार हो गए कि नहीं हुए? अच्छा नहीं हुए, पता कीता सी वैसे? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो यार दो बाहर देख लोते हैं ना अपने, कोई मसला नहीं है। यार ये जो गंदम है ना असल में बाहर सारी अभी रखी हुई, यार पिछली दफा भी हमारी काफी जो गंदम है ना वो खराब हो गई थी, तो अब खराब होने से मुराद ये कि यार सुसरी लग गई थी और जिसकी वजह से ना काफी डिस्टर्बिंग ही बनी रही है समझ लें। तो इंशाल्लाह लेकिन इस दफा प्लान यही था कि यार इसको जितनी जल्दी हो सकता है ना कवर करेंगे। अभी एक दो बर्तन इधर भी मेरे ख्याल से जो है ना वो खाली है, और दो हमारे ये बाहर आप देख सकते हैं दरवाजे के बाहर रखे हुए हैं, तो इनको इंशाल्लाह कल जो है ना वो साफ सूफ करके जितनी गंदम है ना तोड़ों से निकाल के, तो इसके अंदर बड़ोले के अंदर डाल के जो है ना वो फौरन गोलियां छोड़ियां जो है ना इंशाल्लाह इसमें रख देते हैं। फ्रीजर यार फ्रीजर की कोई ना कुछ, अच्छा ठीक हो गया, हाँ ठीक हो गया, बेहतरीन हाँ बेहतरीन, हाँ बेहतरीन बेहतरीन है, ओके हो गया जनाब। चलो यार भाई अबू हुरैरा भी मेरे ख्याल नजर जी आने लगे होने ने, ते तुसीं इहनूं तैयार शेयर करो, मैं भी यार घर का एक सिस्टम वेख के आया, घर की फ्रिज शार्ट हो गई है, वो सोलर लवाया ना तो थोड़ा जहा मेरे ख्याल मसला बनया, मैं बस चेक करके आया जी यार, वो जरा ना चेक करके आते हैं घर से थोड़ा सा सिस्टम अपना, तो फिर आके यहाँ पर जो है ना बच्चों के साथ बैठ के दावत शावत देखते हैं कि कैसी बनी है, क्योंकि आज वाले एक्सपीरियंस ही जो है ना वो फिर अगली जो हमारी नेक्स्ट दावत है ना उसके लिए प्लान करना है कि यार टेस्ट जो है ना वो सारे साहब का बरकरार है या नहीं है। ये जनाब चावल जो है ना वो तैयार हो के पक पका के हमारे सामने आ चुके हैं, और अभी जो है ना वो चावल टेस्ट करते हैं, देखने में तो वैसे ये बहुत ही मजेदार लग रहे हैं और मेरे ख्याल से ये खाने में भी मजेदार ही होंगे सारे साहब। वैसे तो ही एक दफा ना खुद चेक करो आप भी पहला, साधे साहब डरे हुए कि यार तू ही वीडियो च मैनू वहा वहा के ऐसा बदनाम कर दिता है कि हर बंदे नूं लगदा रिहा ही खा जांदा जिन्ने पकांदा चावल भाई। लेकिन बाहर हाल खुद चेक करते हैं यार आज, और चेक करके आपको बताते हैं कि कैसा जो है ना वो फिर टेस्ट है साधे साहब के चावल का। पहले तो इंशाल्लाह वैसे जो है ना वो बच्चों से भी रिव्यू लेंगे यार आज, वो भी बड़ा जरूरी है, और अपना जो है ना वो तो अगर मैं आपको बताऊं तो दो तीन रुकने लगा लेंगे यार वैसे दस दिए सारे साहब। यार बताना क्या है आपको, चावल माशाल्लाह कमाल के मजेदार मुझे तो लग रहे हैं, और मेरे ख्याल से बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे। और वैसे भी सारे साहब जब भी दावत बनाते हैं ना तो बच्चे वैसे चावल पके हों तो आधी देख हमारी फारिग रहती है, बच्चे नहीं ज्यादा खाते हैं, लेकिन सारे साहब जिस दिन चावल बनाए ना उस दिन जनाब बच्चे जो है ना वो भी खा पी जाते हैं जितनी मर्जी ज्यादा से ज्यादा भी पके हों, तो चावल बहुत ही मजेदार है। और थोड़ी देर तक बस अभी बच्चों का दसरा लगता है ना तो बच्चों से भी रिव्यू लेते हैं फीडबैक लेके, तो वो भी आपको बताते हैं कि उनको कैसे लगे वैसे ये चावल। ये जनाब बच्चों के लिए जो है ना वो चावल
पक के रेडी होके आ गई हैं और बच्चे मगरिब का टाइम था, वैसे तो ये इनके सबक याद करने का टाइम होता है, लेकिन आज जो है ना वो फिर दावत ही, इस वजह से मैं कहा कि यार चावल ठंडे हो जाए, इससे बेहतर ये है कि अभी जो है ना वो फौरन खिला दिए जाए बच्चों को। दिखाओ हाँ यार चावल जरा कितने हैं, माशाल्लाह बेहतरीन पके हुए हैं, बोटियां भी हैं, नजर तो आ रही हैं, बेहतरीन बोटियां हैं के। यार एक ना चावल रख रहे हैं थोड़े से भाई अबू हुरैरा के लिए भी, जिन्होंने दावत की है ना, एक परात में उनके लिए डाल के रख लो और बाद में बेशक शापर में फिर डाल देना ठीक है, या किसी वो हो सकता है बर्तन को लेके आए वैसे वो, लेकिन एक परात में डाल के रख लो साइड पे। ये जनाब बच्चे जो है ना वो अभी खाने से फ्री फ्री हो रहे हैं, जरा सुकून से खा पी लेते हैं और हम भैया बुरा का वेट करते हैं, भैया बुरा आ जाएंगे ना। बोटियां भी डाल के दे यार, कोई मसला ही नहीं है, उनको कहते हैं तो डाल दो। चलिए अब जो है ना वो बच्चों से पूछ लेते हैं, उनके तकरीबन एक एक प्लेट जो है ना वो बच्चों ने खा ली है, अब ये दूसरी दफा जो है ना वो चावल जा रहे हैं बच्चों के लिए। अच्छा ये चावल मजेदार बने हैं कि नहीं बने यार, मजेदार हैं, मजेदार हैं, फिर ठीक है। बस जो है ना साजे साहब के लिए दुआ शुआ भी किया करो, दोबारा भी इंशाल्लाह उनसे जल्दी आपके लिए दावत बनवानी है ठीक है। चले जी बच्चों का जो है ना वो फीडबैक ले लिया है, बस अभी जो है ना खुद भी थोड़े से चावल खा पी ले और इंशाल्लाह जो है ना वो फिर नेक्स्ट दावत के लिए। तो नहीं यार उन्होंने वैसे ही किया कि चावल बहुत मजेदार है माशाल्लाह, तो यार एक ना प्लेट में मुझे भी दे दो चावल। सागर साहब खाने ने कि नहीं तुसी भी, चलो ठीक है, चले यार हम भी थोड़े से चावल खा लें और अब इंशाल्लाह अगली तैयारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।